बरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह समेत सपा और बसपा के एक एक विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकने एक बार फिर से तेज हो गई हैं। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 36 घंटे के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का कांग्रेस, सपा और बसपा ने बहिष्कार किया था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की अदिति सिंह, बसपा के अनिल सिंह और सपा के नितिन अग्रवाल पार्टी लाइन से अलग होकर विशेष सत्र में शामिल हुए, जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है। खासकर अदिति सिंह को लेकर चर्चा काफी तेज है, क्योंकि बुधवार को ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का लखनऊ में पैदल मार्च था, लेकिन वह उसमें शामिल न होकर देर शाम विधानसभा के इस खास सत्र में पहुंच गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्र की चर्चा में भी हिस्सा लिया। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि अगर अदिति बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में आती हैं, तो उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अकेले विधानसभा कार्रवाई में पहुंची अदिति ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रदेश में पानी और गरीबी की कई समस्याएं हैं। साफ सफाई और पानी जैसी समस्याओं पे मैंने हमेशा काम किया है। प्रदेश के कई जनपदों में आर्सेनिक पानी की समस्या है, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि टंकी लगनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग समेत पानी के लिए बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए, सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर काम होना चाहिए। कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल न होकर विशेष सत्र में आने पर अदिति सिंह ने कहा कि चाहे वह धारा 370 रही हो या कोई दूसरी बात, उन्होंने सरकार का समर्थन किया है। मैं एक पढ़ी लिखी विधायक हूँ, जो चीज मुझे अच्छी लगी उस पर मैंने अपनी बात रखी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अदिति के बाहुबली पिता अखिलेश सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद से अदिति सिंह की बीजेपी से नजदीकियां बताई जा रही हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अब ये खबर तैर रही है कि अदिति सिंह शायद जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती हैं। अदिति और अन्य पार्टियों के विधायकों के शामिल होने पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अदिति सिंह समेत बसपा के अनिल सिंह और भी अन्य दलों के कई विधायक आए। गांधी जी की जयंती पर आयोजित इस विशेष सत्र में सबका स्वागत है। विपक्ष शायद गांधी जी को नहीं मानता है, इसलिए वो इससे बहिष्कार करता रहा। सपा और बसपा ने भले ही विशेष सत्र का बहिष्कार किया हो, लेकिन उनके एक एक विधायक पार्टी लाइन से अलग हटकर पहुंचे। हरदोई से सपा विधायक नितिन अग्रवाल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि विपक्षी नेता तब सदन छोड़कर भाग जाते हैं जब जनता के हितों की बात होती है। साल 2017 और 19 में जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है, आगे भी सिखाएगी। यानी कि साफ है कि सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर अब अपनी अपनी पार्टियों के खिलाफ ही मोर्चा खोलने लगे हैं। उन्नाव की पूर्वा सीट से बसपा विधायक अनिल सिंह ने पार्टी से बगावत करते हुए कहा कि जिस तरह पुत्र को पिता की जरूरत होती है, वैसे ही भारत को मोदी की जरूरत है। पिछली सरकारों में राजनीतिक भोग और पैसा कमाने का जरिया रहा था। इस पूरे मामले से साफ है कि अब आने वाले चुनाव में भाजपा विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका देने वाली है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।